नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। हमारा आईफोन हैक हो गया, हमारा भी आईफोन हैक हो गया, सरकार क्या जासूसी करा रही है। इसी तरीके के कई सारी बयानबाजियां विपक्ष के आज नेताओं द्वारा बैक टू बैक की गई है। यही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इस मुद्दे पर कि हमारा आईफोन हैक हो रहा है, एप्पल का हमारा आईफोन जो है वो हैक होने की कगार पे हमें जो है लगातार नोटिफिकेशंस आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अखिलेश यादव भी बोलते नजर आए, राघव चड्ढा, महुआ मोइत्रे, सारे लोग जो हैं वो बैक टू बैक कह रही हैं कि उनका एप्पल हैक हो रहा है। और एप्पल ने जो है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एप्पल को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, तो एप्पल ने क्लैरिफाई जो है किया है, उन्होंने अपनी बात जो है सामने रखी है, जिसके बाद पूरी की पूरी विपक्ष का झूठ तो बेनकाब हुआ ही है और अब उनकी जमकर फजीहत भी उड़ाई जा रही है। पूरा मामला क्या है विस्तार से समझिए। आपको बता दें कि आज सुबह से ही विपक्ष के कई सारे नेताओं द्वारा यह क्लेम किया गया कि उनका आईफोन हैक हो रहा है, क्योंकि उन्हें एक नोटिफिकेशन जो है लगातार आ रहा है, जिसके बाद एप्पल की जो हमने आपको कहा कि एप्पल ने जो जवाब दिया, जिसके बाद क्लैरिफिकेशन हो गया और अब विपक्ष की धज्जियां उड़ गई है। विपक्षी नेताओं का भांडा तो फूटा ही है और अब वो पप्पू बन चुके हैं, क्योंकि उनकी आप कह सकते हैं कि उनका बंटाधार हो चुका है। एप्पल ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है और विपक्ष के नेताओं का जो बयान था, बैक टू बैक आपको बताएंगे। सबसे पहले एप्पल की बात कर लेते हैं। तो एप्पल खतरे की सूचनाओं का श्रेय किसी विशिष्ट राज्य प्रायोजित हमलावर को नहीं देता है, ऐसा एप्पल ने कहा है। राज्य प्रायोजित हमलावर बहुत अच्छी तरह से वित्त पोषित और परिष्कृत है और उनके हमले समय के साथ विकसित होते हैं। ऐसे हमलों का पता लगाना खतरे के खुफिया संकेतों पर निर्भर करता है, जो अक्सर अपूर्ण और अपूर्ण ही होता है। यह संभव है कि कुछ एप्पल खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती है। फिर से मैं आपको लाइन पढ़कर सुनाएंगे। एप्पल ने यह बात खुद कही है कि यह संभव है कि कुछ एप्पल खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती है या कुछ हमलों का पता नहीं चल पाता है। हम इस बारे में जानकारी देने में असमर्थ है कि किस कारण से हमें खतरे की सूचनाएं जारी करनी पड़ रही है, क्योंकि इससे राज्य प्रायोजित हमलावरों को भविष्य में पता लगने से बचने के लिए अपने व्यवहार को अनुकूल करने में मदद मिल सकती है। कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा कथित तौर पर, आपको बता दें कि फोन पर राज्य प्रायोजित हमले पर जो है एप्पल ने अलर्ट किया है, ऐसा वो कह रहे थे। सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करना चाह रही है, कोशिश कर रही है, ऐसा विपक्षी नेताओं ने आज दावा किया और इनके दावे से सनसनी फैल गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा समूह, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रे, आपको बता दें प्रियंका चतुर्वेदी, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने जो है स्क्रीनशॉट जो है इसके शेयर किया। विपक्षी नेताओं ने यह दावा किया, उन्होंने जो है उनके फोन निर्माता ने उन्हें वार्निंग मैसेज भेजा है, सभी ने स्टेटस स्पॉन्सर्ड अटैक्स का जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का दावा किया। बाद में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी करने का तक आरोप लगा दिया। राहुल ने दावा किया कि उनके ऑफिस में सभी लोगों को एप्पल का जो है नोटिस मिला है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व्ड है। तो जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी का बयान स्पष्ट तौर पर सरकार पर जासूसी का आरोप लगा रही है, बातें जो है कह रही है कि हमारे फोन जासूसी कराई गई है और सारी चीजें। तो मंगलवार की सुबह विपक्ष के कई नेताओं ने कथित तौर पर एप्पल की ओर से भेजे गए अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। इनमें जो प्रमुख नाम है ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे नेता है। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रे, प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऑफिस के वर्कर असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद राघव चड्ढा, सपा नेता अखिलेश यादव, ये मुख्य नाम है जिनके द्वारा ये बातें कही गई थी। विपक्षी नेता
नेताओं ने जो तस्वीर शेयर की, जो स्क्रीनशॉट है, उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक शायद आपके आईफोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आगे लिखा गया कि एप्पल को लगता है कि आपके स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, जो आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटैकर्स आपको निशाना आपकी पहचान या आपके काम की वजह से बना रहे हैं। आगे लिखा गया, यदि आपके उपकरण के साथ किसी राज्य प्रायोजित हमलावरों ने छेड़छाड़ की है तो वे आपके संवेदनशील डेटा, संचार या तक की कैमरा और माइक्रोफोन तक जो है दुरुस्त रूप से पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। चेतावनी ईमेल में लिखा कि हालांकि संभव है कि यह एक गलत अलार्म हो, कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रे ने इस पर बयान दिया। उन्होंने लिखा, यानी पोस्ट डालकर लिखा कि एप्पल से मुझे संदेश और ईमेल प्राप्त हुआ है, इसमें मुझे चेतावनी दी गई है कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक्स पर एक पोस्ट डाला और उन्होंने यह लिखा कि आश्चर्य है, कौन आपको शर्म आनी चाहिए, गृह मंत्री का कार्यालय आपके ध्यान के लिए है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को टैग करते हुए कहा, कृपया ध्यान दें, अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि प्रिया मोदी सरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें अपने फोन निर्माता से राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फोन पर हमला करने की कोशिश करने के बारे में चेतावनी जो है मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी इसे लेकर लिखा। उन्होंने भी कहा कि अपने फोन निर्माता से स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स द्वारा उनके फोन पर हमला करने की कोशिश करने को लेकर जो है चेतावनी मिल रही है। राहुल गांधी का हमने आपको बताया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कहते नजर आए हैं, क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है। आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं, आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाएं, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जैसे कि आपने सुना, कह रहे हैं कि बड़ी दुख की बात है, सुबह जानकारी मिली, इस प्रकार का मैसेज कंपनी के माध्यम से आया। मैसेज में बताया जा रहा है कि स्टेट की ओर से आपका फोन हैक किया जा रहा है। दुख की बात है कि लोकतंत्र में आजादी और निजता को भी खत्म करने चाहते हैं। जासूसी के किसके लिए, किस जांच होनी चाहिए? दिल्ली में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी भी विपक्षी नेताओं के फोन निर्माता से प्राप्त चेतावनी ईमेल की एक कॉपी दिखाई, कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स उनके फोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है और ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन राहुल गांधी जो है बयान तो देने में एक्सपर्ट है, सारी चीजें करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं। इसके पीछे का कारण है कि लिखा गया है कि ये आगे सकते डिफॉल्ट मैसेज भी हो सकता है, ये जो है इसमें गलत अलार्म भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर उन्होंने कर डाली। राजद सांसद मनोज झा का भी बयान है, जरा सुनिए। ये नहीं, इसे आरोप क्यों कह रहे हैं? मैसेज अलर्ट आ चुका है, सरकार ने कहे ये अलर्ट गलत है। अखिलेश जी का भी नाम है, महुआ जी का है, प्रियंका जी का है, सीताराम येचुरी का है, शशि थरूर का है, राहुल जी की टीम में लोगों का है। मतलब ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहे हैं और इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा। पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है क्या? सीधी सी बात, सरकार की ओर से अभी तक कुछ सुना ही नहीं मैंने, उनकी ओर से सफाई आनी चाहिए ना। इसका एक मंत्रालय भी है, वो क्या कर रहा है? तो जैसा कि आपने सुना सर, उन्होंने कहा कि सरकार कहे कि अलर्ट गलत है, ये क्या हो रहा, जो आक्रामक राजनीति के तहत डिजिटल दुनिया बना रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा, सरकार की ओर से सफाई आनी चाहिए, इसके लिए एक मंत्रालय भी है, वो आखिर क्या कर रही है, ये इनके द्वारा कहा गया। बीजेपी जो रिएक्शन दे रही है, बीजेपी के द्वारा जो जवाब दिया गया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे लेकर जवाब दिया है, क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, जरा सुनिए। अब ऐसा है, ये क्या मैसेज है नहीं है ये उनका कहना है ना, इसको एप्पल क्लारीफाई करेगा। उसको उनसे परेशानी है तो एफआईआर कर दें एफआईआर, कौन रोक रहा है उनको? क्या वैसे ही हो जाए राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पिगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने?
ये तो मुझे, और आपने शशि थरूर की बात की तो वो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं आईटी के, टेलीकॉम के, उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर, नहीं संतोषजनक हो एफआईआर करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो भी आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियादी और गलत है, इन नेताओं को एप्पल से सफाई मांगनी चाहिए कि यह किस तरह का मैसेज है, और कंपनी के जवाब से असंतुष्ट होने पर एफआईआर भी करवानी चाहिए। ये बात उनके द्वारा कही गई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन नेताओं को एफआईआर कराने से कौन रोक रहा है, ये क्या मैसेज है और कौन क्यों भेजा जा रहा है, इसके बारे में तो एप्पल कंपनी ही सफाई दे सकती है। वो ये भी कहते नजर आए कि शशि थरूर तो श्रम आईटी से जुड़े स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो इस मामले में एप्पल कंपनी से क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं मांग लेते हैं। और अगर आप देखेंगे तो अब एप्पल कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दी है, तो उसके बाद अगर आप कहेंगे पूरे के पूरे विपक्ष का झूठ बेनकाब हो गया, इनका भांडा फोड़ हो गया है, इनकी गलती जो है अब सामने आ चुकी है, इनका कहिए कि झूठ जो है बेनकाब हो चुका है, लोग समझ गए हैं कि आखिर ये सारी चीजें जो है क्या कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि अमित मालविया ने भी इस पर जमकर बयान दिया है, अमित मालविया का भी इस पर रिएक्शन आया है। The Apple has clarified that they have sent several such notifications across the world. Approximately users in 150 countries have received such notifications, and they are also not able to point out the reason why such notifications have got triggered. So for the opposition to allege that the government is snooping or this has been done at the behest of the government is absolutely baseless. The opposition would do well to find some issue to take on the government. They did so during Pegasus, although when the Supreme Court appointed committee asked for their phones to be surrendered for investigation, none of them came forward, and those who came forward, nothing was found untoward. But Rahul Gandhi, apparently under the influence of foreign funded agencies, keeps raking these issues, keeps making statements, has also held up the parliament, but has never ever cooperated with investigation. Clearly, the opposition does not have any issues to take on the government, and therefore they are resorting to making these false, malafide allegations. Congress MP Rahul. Well, Rahul Gandhi is perhaps talking about himself, because clearly, as Apple's statement clarifies, the government has no role in it, and Apple has shot out this message to 150 countries and users living in those geographies. So clearly, it is not something that the government of India has to answer, but for Apple and Apple users to figure out what probably went wrong. तो आपने देखा किस तरीके से जो अमित मालवीय कह रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्षी नेताओं को गिन चुनकर नहीं भेजा गया है, 150 देशों में जो लोग भी इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको नोटिफिकेशन गया है, और ये क्यों गया है इसके बारे में अभी तक समझ नहीं आया है। लेकिन ये जो है ऑपोजिशन कह रही है कि ये गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट करवा रही है, ये पूरी तरीके से बेसलेस है। राहुल गांधी जो है वो फॉरेन फंडेड एजेंसीज के इन्फ्लुएंस में आकर ये सारी चीजें करते हैं, और कभी भी किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो है सपोर्ट नहीं करते, किसी भी जो है उसमें भाग नहीं लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन जो है उनको किसी भी तरीके से कोई जो है कोई भी इशू होती है तो वो सरकार के ऊपर जो आपके झूठा आरोप लगाने लगते हैं, हर चीज को सरकार से जोड़कर देखने लगते हैं, हर चीज जो है उनको कहिए कि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, हर चीज जो है सरकार कर रही है, ऐसा इनके द्वारा जो है लगातार कहा जाता है। तो ये बुरी तरीके से बेबुनियाद है। तो जैसा कि आपने देखा कि विपक्ष ने आज सुबह से काफी हंगामा मचाया इस मामले को लेकर कि हमारा फोन हैक हो रहा, हमारा एप्पल फोन हैक हो रहा है, हमारा एप्पल हैक हो रहा है, हमें नोटिफिकेशन आ रहा। लेकिन एप्पल ने सच्चाई जो है बता दी, जिसके बाद विपक्ष का पप्पू बन चुका है, और जो है इस मामले में अब लोगों को सच्चाई भी पता चल चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपके भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।